विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का आज जो पेपर हुआ था उसका आंसर की इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का। मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए ये आंसर की है, ठीक है, फटाक से देख लेते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे सैम्पल पेपर और उसके आंसर की आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ फुल ऑन गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तीसरे का सी ऑप्शन, चौथे का बी ऑप्शन, पाँचवें का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स वाले का, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सेवन का ए, आठवें का भी ए, नाइन का सी, ठीक है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दसवें का, अगर देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन का, अगर देखें तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बारहवें का ए, तेरहवें का सी, चौदहवें का सी, ठीक है। नेक्स्ट पंद्रहवें की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सोलहवें का सी, सत्रहवें का ए, अट्ठारहवें का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नीसवें का, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बीसवें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इक्कीसवें का बी, बाईसवें का डी, और इसके अलावा तेईस वाले की अगर बात करें तो सी ऑप्शन, चौबीस का अगर बात करें तो डी ऑप्शन, पच्चीस की बात करें तो डी ऑप्शन, छब्बीस की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सत्ताईस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अट्ठाईस की बात करें तो ए ऑप्शन, उनतीस की बात करें तो ए ऑप्शन, अगर तीसवें की अगर बात करें तो बी ऑप्शन, इकतीसवें की अगर बात करें तो ए ऑप्शन, बत्तीस का ए, ठीक है, तैंतीस का डी ऑप्शन, चौंतीस का डी ऑप्शन, पैंतीस का सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला है यहाँ पे छत्तीस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, सैंतीस का ए ऑप्शन, अड़तीस का सी ऑप्शन, उनतालीस का बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगर 40 की अगर बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इकतालीसवें का सी, बयालीसवें का बी ऑप्शन, तिरालीसवें का सी ऑप्शन और चौवालीसवें का यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पैंतालीसवें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा और छियालीसवें का बी ऑप्शन, सैंतालीसवें का ए ऑप्शन, अड़तालीसवें का डी ऑप्शन, उनचास का डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 50 वाले क्वेश्चन का ए ऑप्शन, इक्यावन वाले का बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 52 के अगर बात करें तो ए ऑप्शन, 53 की बात करें तो सी ऑप्शन और 54 की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 55 की अगर बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 56 का ए ऑप्शन, 57 का ए ऑप्शन, 58 का बी ऑप्शन, 59 का बी ऑप्शन और 60 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो इस तरीके से आपके 60 क्वेश्चन आपके सामने हैं और फटाक से देखिए और मैच कीजिए कि कुल कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन का जवाब सही दिया है या फिर जितने भी आपके स्कोर होते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी वीडियो कैसे लगी ये ज़रूर बताएं, ठीक है। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन लेवल हाई होता है और ताकि वीडियो बनाने के लिए हम बार बार प्रेरित होते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले सैम्पल पेपर के साथ, ठीक है, और एक अगले आंसर की के साथ। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बाकी अपने तरफ से मैंने सारा चीज़ बता दिया, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।